आज हम देखेंगे कैपेसिटर क्या होता है। जैसे कि कैपेसिटर में हम जानते हैं कि उसमें दो मेटेलिक प्लेट होती है और उसे हम एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस से सेपरेट करके रखते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए तो हमारे पास एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है, दोनों में एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क यही है कि कैपेसिटर एक लाइट वेट और एक क्विक चार्ज करने वाला होता है। जैसे कि हमारे पास कैपेसिटर में दो टाइप होते हैं फिल्टर में, जैसे कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर फिल्टर और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर फिल्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर फिल्टर में हमें जो नेचर ऑफ आउटपुट मिलता है उसे हम डीसी आउटपुट और डायरेक्ट करंट आउटपुट बोल सकते हैं, लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर फिल्टर है उसमें हमें प्योर एसी मिलता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट रहता है। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है C=Q/V, सी होता है कैपेसिटर, क्यू होता है चार्ज, वी होता है वोल्टेज। तो हम कैपेसिटर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं C=Q/V, मतलब टोटल चार्ज स्टोर्ड इन पर्टिकुलर वोल्टेज। अगर आपको कोई भी डाउट और इंक्वायरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।